नमस्ते दोस्तों, दोस्तों सैर सपाटे की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग जगह के बारे में बताता हूँ। दोस्तों अगर आप साउथ इंडिया में कोई हिल स्टेशन वगैरह ये घूमना चाहते हैं तो ऊटी और मैसूर सबसे खूबसूरत जगह है। ऊटी जो कि अपने टी प्लांटेशन, खूबसूरत झील है, चारों तरफ हरियाली, इसके लिए जाना जाता है। तो आप नॉर्थ से या फिर मुंबई, पुणे या फिर उसके आसपास कहीं हिल स्टेशन प्लान करना चाह रहे हो तो ऊटी आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह। तो आइए, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर कहीं भी आप घूमने जाते हैं तो वहाँ की प्लानिंग में आपको होटल का खर्चा कितना होगा, गाड़ी का कितना होगा, कैसे पहुँचे, ये सब चीज़ें पहले पता लग जाए बजट में तो आपको काफ़ी मदद हो जाती है अपनी प्लानिंग में। तो आइए जानते हैं आज ऊटी जाने में हमारा कितना खर्चा लगेगा। तो आपको करना क्या, इस वेबसाइट पर आना है, इंडिया इन्फो डॉट हेल्प, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऊटी को नूर, और यहाँ मान लीजिए आप मुंबई से आना चाहते हैं तो मुंबई सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो टूल है, वेबसाइट है, ये पूरा का पूरा आपको एक खर्चा बता देगा कि मुंबई से अगर ऊटी आप जाते हैं तो कितना आपके पैसे लगेंगे, किस किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं और कितने दिन वहां पे। तो ये सब ये भी बताता है कि होटल का कितना खर्चा आएगा और दूसरी वहां कौन कौन सी जगह है और उन जगहों के अंदर जाने का खर्चा क्या होगा। तो ये सब प्लानिंग हो जाती है तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब आपके हाथ में प्री प्लान है तो घूमना काफ़ी आसान होगा। तो काफ़ी इंटरेक्टिव साइट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आए तो मान लीजिए आप कपल हैं, दो लोग जा रहे हैं और ऊटी से, तो अब दूसरा आता है ऊटी जाने के लिए 2 से 3 दिन काफ़ी है। मान लीजिए 3 दिन आप लेते हैं ऊटी में, तो सबसे पहले ऊटी पहुँचा कैसा जाए। अगर आप मुंबई से जाते हैं, अपनी कार से जाते हैं, तो मुंबई से जो ऊटी के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर के करीबन की है, तो कार से जाएंगे तो 20 घंटे करीबन वन वे इतना लगेगा। बस से जाते हैं तो 22 घंटे लगते हैं और वोल्वो बस चलती है तो करीबन 5000। तो सबसे बेस्ट आप ट्रेन से चले जाइए, ट्रेन से कोयम्बटूर तक आप ट्रेन से चले जाइए, और जो कोयम्बटूर से आप, मतलब अगर मुंबई से आपको ऊटी के लिए डायरेक्ट कोई बस नहीं मिलेगी और ट्रेन भी नहीं जाती है वहाँ पर, तो कोयम्बटूर सबसे नज़दीकी स्टेशन है। जो फ्लाइट जाती है वो भी कोयम्बटूर तक जाती है, तो कोयम्बटूर आप पहुँच गए, वहाँ से बस टैक्सी जो भी लेना है आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन से जाते हैं और आप थर्ड एसी से जाते हैं तो इतना आपका खर्चा लगेगा आपका, अगर स्लीपर से जाते हैं तो इस ढंग से इतना आपका खर्चा लगेगा, ये आपका खर्चा। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो ये खर्चे आपके हैं। तो मान लीजिए आप फ्लाइट से गए तो आप ओटी, ये तो जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसके बाद हम आए तो आप खाने का खर्चा, किसी भी जगह जाते हैं तो खाने का खर्चा होता है। दो लोग जाते हैं तो एक दिन का लगभग 600 से 800 रुपया आप खाने में लगते ही लगते हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच और दूसरी तीसरी चीज़ें ये सब होती हैं, ठीक है। तो ये खर्चा हो गया। अब होटल की कॉस्ट, ऊटी में अगर आप सीजन के टाइम में एकदम बजट होटल ढूंढ रहे हैं तो 1200 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, तो 3 दिन का ये कॉस्ट। अगर आप थोड़ा सा बजट होटल ढूंढ रहे हैं, अच्छा ढूंढ रहे हैं, तो 2200, और थोड़ा लग्जरी ढूंढ रहे हैं तो इस रेंज में आ जाता है। अब उसके बाद कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो आपकी कॉस्ट आ जाती है टैक्सी की, या फिर घूमने के लिए टैक्सी तो ज़रूरी है, कहीं भी साइट सीइंग करेंगे टैक्सी से जाएंगे, तो ये सारा है। तो ये ऊटी कुनूर अगर शेयर करते तो इतना आएगा, पर्सनल टैक्सी लेते हैं तो इतना खर्चा आपका ये। तो 18000 रुपये, 15400 रुपये तो आपके अभी तक लग चुके हैं, यानी आपको होटल, टैक्सी, खाना वगैरह में आपके इतने पैसे लग चुके हैं। अब इसके बाद आता है ऊटी, अगर आप पहुंच गए तो ऊटी में कौन कौन सी जगह आपको घूमनी है और उन जगहों को घूमने का खर्चा क्या है। तो ये वेबसाइट आपको एक तरीके का पूरा आपका ट्रैवल प्लानर है कि सारी जगह, सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं। अब ऊटी अपने आप में इतना खूबसूरत है, टी प्लांटेशन वहाँ पर है, बड़ी झीलें हैं, खूबसूरत बगीचे हैं, हरियाली है, और साल भर बहुत खुशनुमा मौसम यहाँ पर मिलता है। सर्दियों में थोड़ी सा टेम्परेचर गिर जाता है, तो ये रहा। अब सबसे खूबसूरत एक है प्याकरा वाटरफॉल, ये भी बहुत खूबसूरत है, ये बरसात के बाद तो और खूबसूरत हो जाता है। तो छोटे छोटे छोटी छोटी नदियाँ निकल आती हैं यहाँ पे पानी की, तो ये आप जा सकते हैं। इसका सिर्फ मात्र 10 रुपया इसका टिकट है यहाँ पे जाने का, ये पास में ही है, सिटी से ज़्यादा दूर नहीं, ये आप जा सकते हैं। और मुद्दमलाई नेशनल पार्क है, यहाँ आपको काफ़ी हाथी, और अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो 3 से 4 घंटे बड़े आराम से आप यहाँ पर बिता देंगे, यानी एक आदमी की 45 है तो 2 लोगों की 90 रुपीज़ यहाँ पर
ये यहाँ पे फीस होगी। डोरबट्टा ये बहुत खूबसूरत जगह है, ये सबसे ऊंची चोटी में से एक है, यहाँ पर टेलीस्कोप वगैरह लगी, यहाँ से पूरी जो पहाड़ी है वैली है उसका पूरा व्यू दिखता है। और यहाँ पे कुछ लेके कॉफ़ी का ज़रूर आनंद लें, फोटोग्राफी के आप शौकीन हैं यहाँ पे फोटोग्राफी कर लेते हैं। यहाँ जाना थोड़ा सा जो रास्ता है वो भी काफ़ी सख्त है, तो जाना भी एकदम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। और 2 से 3 घंटे आप यहाँ पे बड़े आराम से बिता सकते हैं, ये है। उसके बाद टी स्टेट, हाँ व्यू पॉइंट, तो पूरे के पूरे ऊटी में जगह जगह पर टी प्लांटेशन लगा है। तो जो टी प्लांटेशन होता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया रहता है, यानी कि बीच बीच में जगह छोड़ी होती है, तो जो यहाँ से फोटोग्राफी होती है बहुत शानदार होती है। आप कहीं पे भी जो टी प्लांटेशन है चाय के बगीचे के बीच में जाकर फोटोग्राफ खींचेंगे तो बहुत खूबसूरत फोटो आती है। तो इस तरीके से ये होता है, और पूरे के पूरे ऊटी में आपको जगह जगह पे इस तरीके से चाय के बगीचे दिखाई देंगे। तो ये खूबसूरत चाय के जो बगीचे होते हैं यहाँ पे आप 1 से 2 घंटे बिता के फोटोग्राफी वगैरह करके आ सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं वैक्स म्यूजियम, ये इसमें जो नेताओं की ज़्यादातर आपको यहाँ पे मिलेंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है ये, जाना हो आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं बोट हाउस क्लब, ये बोट हाउस झील है, छोटी सी झील है, और इसके किनारे यहाँ पे बोट हाउस क्लब बना हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके बहुत अच्छे फूल लगे हुए हैं, और यहाँ पे कई घंटे आप बोटिंग कर सकते हैं, छोटी सी झील है ये आप कर सकते हैं, खूबसूरत है ये भी। इसके बाद आप जा सकते हैं हिडन वैली कहा जाता है, हिडन वैली यहाँ से थोड़ा आपको पूरा का पूरा लश ग्रीन और पूरी वैली दिखाई देती है, पेड़ दिखाई देंगे, और थोड़ा सा आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, ये भी जगह है, तो इसका कोई प्राइस नहीं है। बोटानिकल गार्डन ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी से वेल मेंटेन्ड है, पौधों की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पे मिलती हैं। बच्चों के साथ जा रहे हैं तो ज़रूर जाएं इस जगह पे। और ऊटी की जो सबसे खास बात है यहाँ पे फ्लोरा और फौना बहुत ज़्यादा है, यानी पेड़ पौधे फूल हरियाली हर जगह ये देखने को मिलेगी, और बहुत अच्छी से यहाँ पे इस चीज़ को प्रिजर्व करके अभी तक रखा हुआ है। और जैसे कि बड़े शहरों में हर जगह पेड़ पौधे काट के घर बनाए जा चुके हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं। ऐसे यहाँ पे रोज गार्डन भी है, इसमें गुलाब की आपको भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पे प्रजातियाँ मिलेंगी। अगर आप सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे जाएंगे तो आपको गुलाब खिले हुए मिलेंगे, और गुलाब जो है अपने चरम पे होता है उस टाइम पे, तो ये आप जा सकते हैं। इसी प्रकार से डोल्फिन नोज पॉइंट है, ये ट्रैकिंग करने वालों के लिए बहुत खूबसूरत, इसके लिए काफ़ी पैदल आपको जाना पड़ेगा। डोल्फिन के नोज के आकार की एक पहाड़ी है, और वहाँ से पूरी जो वेस्टर्न घाट का व्यू और सामने जो पहाड़ी है नीचे पूरी खाई है वो सब बहुत शानदार दिखाई देती, तो आराम से 2-3 घंटे यहाँ पे जाके आप वापस आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी जगह है। डायनासोर पार्क है, बच्चों के साथ जा रहे हो तो डायनासोर पार्क है, ये भी जा सकते हैं, डायनासोर की थीम का ये पार्क है, खूबसूरत है, इसके पैसे 420 रुपये इसके लगेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे ये सब मुद्दमलाई नेशनल पार्क है, यहाँ आप जा सकते हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत पार्क है, यहाँ पे आपको हिरण की अलग अलग प्रजातियाँ दिखाई देंगी। तो इस ढंग से ये ऊटी में अलग अलग जगह है, तो आप देख सकते हैं ये जो खर्चा है कम या ज़्यादा होते रहता है। 15,880 रुपये अभी तक आपका लग चुका है, और यहाँ आपका ये सब चीज़ें आ चुकी, तो आप चाहें तो इसको कम कर लें, इसको कम कर लें तो ये कम हो जाएगा, इसको ज़्यादा कर लें तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इस प्रकार से ये सब होता है। आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल और अपनी प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ऊपर गया, यहाँ पे मैंने 3 दिन की बजाय 2 दिन अगर कर लिया तो आपका प्राइस ऑलरेडी कम हो जाएगा। और आप ट्रैवल मोड भी चेंज कर सकते हैं, फ्लाइट की बजाय ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपके और कम हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप पे, मतलब आप अपने बजट के अनुसार ये जान सकते हैं कि आपको फ्लाइट से जाना है ट्रेन से जाना है तो कौन सा आपके लिए इकोनॉमिकल पड़ रहा है। तो आपने ये कर लिया तो आपको एक बजट की प्रिडिक्शन हो जाती है, आइडिया आ जाता है इतने पैसे आपका बजट है, इतने में आप जा सकते हैं, आपको ऊटी जाना चाहिए नहीं जाना। तो ये बजट तब है, मैं आपको बता दूं, जब आप खुद से प्लान करते हैं, और ये उस केस में नहीं है आप किसी ट्रैवल एजेंसी की मदद लेते हैं। अगर ट्रैवल एजेंसी की मदद लेंगे तो बजट 30 से 40% बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें ट्रैवल एजेंसी के चार्जेज भी आ जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर
आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दें, हम अगले वीडियो में उसमें सुधार कर लें।